नमस्कार दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे चैनल के माध्यम से एक सवाल भेजा है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ये टर्मिनोलॉजी रिपीटेडली यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स में और थ्योरी में अपीयर होती है। तो आज इन दोनों टर्मिनोलॉजीज, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में समझते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है या सिमिलरिटी होती है और इसको किस तरह से हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस तो आपने पहले भी अपने पिछले लेक्चर्स में देखा ही है, दोबारा से रिपीट करेंगे। अगर दो वेव्स को जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स और कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट, जिसे हम बोलते हैं स्लिट बनाई है मैंने, मैं दोबारा से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे आपकी फ्रिंज बनती है और ये आपकी स्क्रीन है और ये आपकी स्लिट है, स्लिट वन और स्लिट टू। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इस पोर्शन को हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस का मतलब है कि इस वेव R1 ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, दूसरी ने R2 करा है, और जो R2 माइनस R1 जो है वो पाथ डिफरेंस कहलाता है। और ये पाथ डिफरेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि दोनों को अलग अलग, एक को लंबा रास्ता तय करना पड़ा है, दूसरे को छोटा रास्ता तय करना पड़ा है। दोनों के दोनों एक ही तरह से शुरू हुए थे। जब वो शुरुआत हुई थी यहाँ से, तो स्लिट से, तो आइडेंटिकल थे, वेवलेंथ तो खैर सेम ही होती है, कोहरेंट सोर्स है, इन फेज भी थे। लेकिन पहुँचते पहुँचते यहाँ पे, क्योंकि एक को लंबा रास्ता तय करना पड़ गया और एक को छोटा, उन दोनों में एक पाथ का डिफरेंस आ गया। और पाथ के डिफरेंस के आ जाने की वजह से इनमें जो डिफरेंस उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। जहां पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, हमें मालूम है वहां पे पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, माने एन लैम्डा, जहां एन की वैल्यू 0 ± 1 ± 2। प्लस माइनस का मतलब यह है कि माइनस मतलब नीचे वाली साइड पे जो फ्रिंज बनती है सेंट्रल पॉइंट से, अगर ये सेंट्रल पॉइंट है तो नीचे की तरफ जो फ्रिंजेस बनती हैं वो माइनस में आती हैं। अब ब्राइट फ्रिंज जो है उसका पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, एन लैम्डा है, और ये तो हो गया पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो है रिजल्ट होता है फेज डिफरेंस में, जैसे कि मैंने ऊपर बोला। और यहां पे फेज डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के केस में 0 होता है हमेशा, इसीलिए जब दोनों वेव्स आपस में मिलती हैं, अगर मैं ग्राफिकली उनको एक्सप्लेन करूं, तो वो जहाँ भी स्क्रीन पे मिलती हैं, चाहे एक को लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ गया, मान लीजिए ये वेव है, इसको ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, देखिए पीछे से शुरू हो रही है, लेकिन जहाँ पे ये मिली वहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो हैं इस वेव के एक ही दिशा में नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे भी नीचे जा रहा है, यहाँ पे भी नीचे जा रहा है। तो जब वो उन दोनों का इंटरफेरेंस होता है स्क्रीन के ऊपर, मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है और वहां जब इनका इंटरफेरेंस होता है और वो दोनों इन सिंक होती हैं, माने एक ही दिशा में पार्टिकल जा रहा होता है या वेव की जो वेव फ्रंट है, उसको बोलते हैं हम कि फेज डिफरेंस 0 है। चाहे इनमें पाथ डिफरेंस तो था, सो देर वॉज अ पाथ डिफरेंस, देर वॉज अ पाथ डिफरेंस, बट इट डिड नॉट
result in any phase difference. मैंने बिहेवियर जो मीटिंग पॉइंट पे था, जो स्क्रीन पे जहां पे दोनों वेव्स मिलती हैं, वो बिहेवियर चेंज नहीं हुआ. अगर वो क्रेस्ट था एक का, तो दूसरे का भी क्रेस्ट ही पहुंचा. तो दोनों का पीक पॉइंट जब इंटरफेयर करता है या दोनों एक जैसी होती हैं, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और इसी को हम बोलते हैं कि जो पाथ डिफरेंस हम बोलते हैं कि इट इज मल्टीपल ऑफ लैम्डा, माने लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा. इसी को अगर हम फेज डिफरेंस के लैंग्वेज में बोलें, तो जीरो फेज डिफरेंस जो मैंने आपको बोला कि फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, असल में वो फेज डिफरेंस या तो जीरो होता है, अगली बार 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, ये जो है मल्टीपल ऑफ 2 पाई होता है. और अगर मैं आपको बोलूं पाथ डिफरेंस, या फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन द पाथ डिफरेंस. याद रहे कि जो फाई है दैट इज इन रेडियंस. तो अगर आपको ये मालूम है कि मान लीजिए पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है, तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि 2 पाई बाय फाई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा. ये लैम्डा लैम्डा कट गया एंड 5 हैज बिकम इक्वल टू 6 पाई. ये जो आपने देखा, ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, 2 पाई इंटू 3. तो पाथ डिफरेंस रिजल्ट्स इन फेज डिफरेंस, एंड इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस विच इज अ मल्टीपल ऑफ लैम्डा कन्वर्ट्स इन टू अ फेज डिफरेंस विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई. आशा करता हूं आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप मालूम चला. ये मालूम चला कि पाथ डिफरेंस से ही फेज डिफरेंस उत्पन्न करा जा सकता है. लेकिन एक और परिस्थिति हो सकती है जब पाथ डिफरेंस ना होके भी फेज डिफरेंस पैदा करा जा सकता है. वो कैसे करा जा सकता है वो हम देखेंगे. हाउ फेज डिफरेंस इम्पैक्ट्स द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, या उनका सुपर पोजिशन बोल लीजिए आप. बेसिकली आपकी दो वेव्स हैं जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं. एक वेव ऐसे चलती है और स्क्रीन पे पहुँचती है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और दूसरी वेव जो है वो ऐसे ना चल के यहाँ से शुरू होती है. माने उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऊपर की ओर ना जाके नीचे की ओर जा रहा है. तो अगर ये वेव साइन है तो ये कोसाइन है. अब देखिए ये दोनों वेव्स जो हैं, ये इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि किसी ने भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करा यहाँ तक पहुँचने के लिए. अगर ये वाली वेव ये इस तरह से पहुँच रही है यहाँ पे, तो ये वाली दूसरी वेव जो है वो यहाँ ऐसे पहुँच रही है. तो ऑटोमेटिकली एक वेव नीचे की ओर जा रही है और दूसरी वेव अलग तरीके से बिहेव कर रही है. तो ये साइन बिहेवियर है और ये कोसाइन बिहेवियर है. तो बेसिकली वेव किस तरह से स्टार्ट हुई उससे तय हो गया कि इनके बीच में ऑलरेडी फेज डिफरेंस आ गया 90 डिग्री का. अभी आपने पाथ का डिफरेंस यूज ही नहीं करा. सो फेज डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड विदाउट द यूज और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाथ
डिफरेंस, या आपने सिर्फ उनकी जो शुरुआती स्टार्ट है, एक को आपने साइन की तरह स्टार्ट करा, दूसरे को कोसाइन की तरह स्टार्ट करा, इसी से ही फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। और जब ये मिले स्क्रीन पे, तो क्योंकि इनकी शुरुआत अलग-अलग थी, वैसे ही ये मिले तो ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज थे। तो इनका जो पैटर्न बना जब ये मिले, वो इंटरफेरेंस का नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस के पैटर्न के लिए जो फेज डिफरेंस है वो या तो हमें 0 चाहिए, या 360 चाहिए, 720 डिग्री चाहिए, जिसको आप 2 पाई, 4 पाई या 6 पाई रेडियन बोलते हैं, ये वाला फेज डिफरेंस चाहिए। इसके लिए हम ब्राइट फ्रिंज के लिए चाहिए ये। दूसरा फेज डिफरेंस आपको चाहिए 0, 180 और 270, इस तरह के फेज डिफरेंसेस चाहिए जो कि आउट ऑफ फेज दर्शाते हैं और डार्क फ्रिंजेस को जन्म देते हैं। तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री जो है, वो हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसको नहीं कंसिडर करते हैं। हम वो वाला फेज डिफरेंस लेते हैं वेव्स में, जो टोटली या तो मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, अगर आपको याद हो, या वो 2n-1 लैम्डा बाय 2 होता है, ये डार्क फ्रिंजेस के लिए होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने समझा कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं, और कैसे पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा आपने समझा कि फेज डिफरेंस बिना पाथ डिफरेंस के भी क्रिएट करा जा सकता है, और उसका तरीका है वेव्स को अलग अलग तरीके से शुरू करना। और तीसरा हमने देखा कि फेज डिफरेंस यदि 180 डिग्री का हो तो वो आउट ऑफ फेज होता है, और अगर इन फेज चाहिए तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होना चाहिए, इससे ब्राइट फ्रिंजेस उत्पन्न होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच की झलक मिली होगी। आप इसके बारे में आगे भी पढ़ सकते हैं, अपने सवाल और कमेंट लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आपको कोई सवाल है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे चैनल के माध्यम से एक सवाल भेजा है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ये टर्मिनोलॉजी रिपीटेडली यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स में और थ्योरी में अपीयर होती है, तो आज इन दोनों टर्मिनोलॉजीज, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में समझते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है या सिमिलरिटी होती है, और इसको किस तरह से हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस तो आपने पहले भी अपने पिछले लेक्चर्स में देखा ही है, दोबारा से रिपीट करेंगे। अगर दो वेव्स को जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स और कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट, जिसे हम बोलते हैं स्लिट, बनाई है मैंने, मैं दोबारा से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे आपकी फ्रिंज बनती है और ये आपकी स्क्रीन है और ये आपकी स्लिट है, स्लिट 1 और स्लिट 2। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इस पोर्शन को हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस का मतलब है कि इस वेव R1 ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, दूसरी ने R2 करा है, और जो R2-R1 जो है वो पाथ
डिफरेंस कहलाता है। और ये पाथ डिफरेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि दोनों को अलग अलग, एक को लंबा रास्ता तय करना पड़ा है, दूसरे को छोटा रास्ता तय करना पड़ा है। दोनों के दोनों एक ही तरह से शुरू हुए थे। जब वो शुरुआत हुई थी यहाँ से, तो स्लिट से तो आइडेंटिकल थे। वेवलेंथ तो खैर सेम ही होती है, कोहरेंट सोर्स है, इन फेज भी थे। लेकिन पहुँचते पहुँचते यहाँ पे, क्योंकि एक को लंबा रास्ता तय करना पड़ गया और एक को छोटा, उन दोनों में एक पाथ का डिफरेंस आ गया। और पाथ के डिफरेंस के आ जाने की वजह से इनमें जो डिफरेंस उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। जहां पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, हमें मालूम है वहां पे पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, माने एन लैम्डा, जहाँ एन की वैल्यू 0 ± 1 ± 2। प्लस माइनस का मतलब यह है कि माइनस मतलब नीचे वाली साइड पे जो फ्रिंज बनती है सेंट्रल पॉइंट से, अगर ये सेंट्रल पॉइंट है तो नीचे की तरफ जो फ्रिंजेस बनती हैं वो माइनस में आती हैं। अब ब्राइट फ्रिंज जो है उसका पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, एन लैम्डा है। और ये तो हो गया पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो है रिजल्ट होता है फेज डिफरेंस में, जैसे कि मैंने ऊपर बोला। और यहां पे फेज डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के केस में 0 होता है हमेशा। इसीलिए जब दोनों वेव्स आपस में मिलती हैं, अगर मैं ग्राफिकली उनको एक्सप्लेन करूं, तो वो जिस जहां भी स्क्रीन पे मिलती हैं, चाहे एक को लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया, मान लीजिए ये वेव है, इसको ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, देखिए पीछे से शुरू हो रही है, लेकिन जहाँ पे ये मिली वहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो हैं इस वेव के एक ही दिशा में नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे भी नीचे जा रहा है, यहाँ पे भी नीचे जा रहा है। तो जब वो उन दोनों का इंटरफेरेंस होता है स्क्रीन के ऊपर, मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है, और वहां जब इनका इंटरफेरेंस होता है और वो दोनों इन सिंक होती हैं, माने एक ही दिशा में पार्टिकल जा रहा होता है, या वेव की जो वेव फ्रंट है उसको बोलते हैं हम कि फेज डिफरेंस 0 है। चाहे इनमें पाथ डिफरेंस तो था, सो देर वॉज अ पाथ डिफरेंस, देर वॉज अ पाथ डिफरेंस, बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फेस डिफरेंस। मैंने बिहेवियर जो मीटिंग पॉइंट पे था, जो स्क्रीन पे जहां पे दोनों वेव्स मिलती हैं, वो बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। अगर वो क्रेस्ट था एक का, तो दूसरे का भी क्रेस्ट ही पहुंचा। तो दोनों का पीक पॉइंट जब इंटरफेयर करता है, या दोनों एक जैसी होती हैं, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी को हम बोलते हैं कि जो पाथ डिफरेंस, हम बोलते हैं कि इट इज मल्टीपल ऑफ लैम्डा, माने लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। इसी को अगर हम फेज डिफरेंस के लैंग्वेज में बोलें, तो 0 फेज डिफरेंस जो मैंने आपको बोला कि फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, असल में वो फेज डिफरेंस या तो 0 होता है, अगली बार 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, ये जो है मल्टीपल ऑफ 2 पाई होता है। और अगर मैं आपको बोलूं पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में, अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन द पाथ डिफरेंस। याद रहे कि जो फाई है दैट इज इन रेडियंस। तो
तो अगर आपको ये मालूम है कि मान लीजिए पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है, तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि 2π/φ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा। ये लैम्डा लैम्डा कट गया एंड 5 हैज़ बिकम इक्वल टू 6π। ये जो आपने देखा ये मल्टीपल ऑफ 2π है, 2π × 3। तो पाथ डिफरेंस रिजल्ट्स इन फेज डिफरेंस, एंड इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस विच इज अ मल्टीपल ऑफ लैम्डा कन्वर्ट्स इनटू अ फेज डिफरेंस विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2π। आशा करता हूं आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप मालूम चला। ये मालूम चला कि पाथ डिफरेंस से ही फेज डिफरेंस उत्पन्न करा जा सकता है। लेकिन एक और परिस्थिति हो सकती है जब पाथ डिफरेंस ना होके भी फेज डिफरेंस पैदा करा जा सकता है। वो कैसे करा जा सकता है वो हम देखेंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि हम फेज डिफरेंस हाउ फेज डिफरेंस इम्पैक्ट्स द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, या उनका सुपरपोजिशन बोल लीजिए आप। बेसिकली आपकी दो वेव्स हैं जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। एक वेव ऐसे चलती है और स्क्रीन पे पहुँचती है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और दूसरी वेव जो है वो ऐसे ना चल के यहाँ से शुरू होती है, माने उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऊपर की ओर ना जाके नीचे की ओर जा रहा है। तो अगर ये वेव साइन है तो ये कोसाइन है। अब देखिए ये दोनों वेव्स जो हैं ये इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि किसी ने भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करा यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर ये वाली वेव ये इस तरह से पहुँच रही है यहाँ पे, तो ये वाली दूसरी वेव जो है वो यहाँ ऐसे पहुँच रही है। तो ऑटोमेटिकली एक वेव नीचे की ओर जा रही है और दूसरी वेव अलग तरीके से बिहेव कर रही है। तो ये साइन बिहेवियर है और ये कोसाइन बिहेवियर है। तो बेसिकली वेव किस तरह से स्टार्ट हुई उससे तय हो गया कि इनके बीच में ऑलरेडी फेज डिफरेंस आ गया 90 डिग्री का। अभी आपने पाथ का डिफरेंस यूज ही नहीं करा। सो फेज डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड विदाउट द यूज और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाथ डिफरेंस। ये आपने सिर्फ उनकी जो शुरुआती स्टार्ट है, एक को आपने साइन की तरह स्टार्ट करा, दूसरे को कोसाइन की तरह स्टार्ट करा, इसी से ही फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। और जब ये मिले स्क्रीन पे, तो क्योंकि इनकी शुरुआत अलग-अलग थी वैसे ही ये मिले, तो ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज थे। इनका जो पैटर्न बना जब ये मिले वो इंटरफेरेंस का नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस के पैटर्न के लिए जो फेज डिफरेंस है वो या तो हमें 0 चाहिए या 360 चाहिए, 720 डिग्री चाहिए, जिसको आप 2π, 4π या 6π रेडियन बोलते हैं। ये वाला फेज डिफरेंस चाहिए, इसके लिए हम ब्राइट फ्रिंज के लिए चाहिए। ये दूसरा फेज डिफरेंस आपको चाहिए 0, 180 और 270, इस तरह के फेज डिफरेंसेस चाहिए जो कि आउट ऑफ फेज दर्शाते हैं और डार्क फ्रिंजेस को जन्म देते हैं। तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री जो है वो हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
उसको नहीं कंसीडर करते हैं, हम वो वाला फेज डिफरेंस लेते हैं वेव्स में जो टोटली या तो मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है अगर आपको याद हो, या वो 2n-1 λ/2 होता है, ये डार्क फ्रिंजेस के लिए होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने समझा कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं और कैसे पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा आपने समझा कि फेज डिफरेंस बिना पाथ डिफरेंस के भी क्रिएट करा जा सकता है और उसका तरीका है वेव्स को अलग अलग तरीके से शुरू करना। और तीसरा हमने देखा कि फेज डिफरेंस यदि 180 डिग्री का हो तो वो आउट ऑफ फेज होता है, और अगर इन फेज चाहिए तो 0, 2π, 4π, 6π होना चाहिए, इससे ब्राइट फ्रिंजेस उत्पन्न होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच की झलक मिली होगी। आप इसके बारे में आगे भी पढ़ सकते हैं, अपने सवाल और कमेंट लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आपको कोई सवाल है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।